हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज में भरोसा मत रखिए आप लोग, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में होंगे, एक लंबा एक्सपीरियंस है उनका मुख्यमंत्री के तौर पे, तो किन पोर्टफोलियोज पे आप लोग भी कुलीग के तौर पे विशलिस्ट में देख रहे हैं कि कौन सी पोर्टफोलियो आएगा? अभी तो 7:15 बजे पहले हम लोग ये पक्का करेंगे कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप ही के चैनल के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि इसको कौन सा विभाग मिल रहा है। तो इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और सभी का योग्यता का और उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। सर, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप और 5 का कोटा आप लोगों को मिला है, संतुष्ट हैं? क्योंकि बड़ा राज्य है और बड़ा कोटा भी आप लोगों को मोदी सरकार 3.0 के कैबिनेट में मिला। हम लोग इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% परिणाम मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। 29 में से 29 सीटें दी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व मोदी जी ने देने का निर्णय किया है वो भी हम सबके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज में भरोसा मत रखिए आप लोग, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में होंगे, एक लंबा एक्सपीरियंस है उनका मुख्यमंत्री के तौर पे, तो किन पोर्टफोलियोज पे आप लोग भी कुलीग के तौर पे विशलिस्ट में देख रहे हैं कि कौन सी पोर्टफोलियो आएगा? अभी तो 7:15 बजे पहले हम लोग ये पक्का करेंगे कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप ही के चैनल के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि इसको कौन सा विभाग मिल रहा है। तो इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और सभी का योग्यता का और उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाएगा। कृषि, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसा कुछ उम्मीद? क्योंकि कृषि बेस्ड राज्य भी आपका है। देखिए, विभागों का उम्मीद करना, तो जब मैं मंत्री बना तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कौन सा विभाग मिल रहा है, तो हम दूसरों के बारे में क्या बताएं। आखिरी सवाल सर, ये सरकार जो है कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू फैक्टर पे चलने वाली है एनडीए सरकार, तो ऐसे में खासतौर पे जो केंद्र की सरकार है उसमें हमेशा प्रचंड बहुमत रहा, अब कोलिशन है, तालमेल बना के चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना पड़ेगा, और अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए थे, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी वो, और मोदी जी में वो क्षमता है कि सारे दुनिया के नेताओं को वो अपने साथ कर लेते हैं, तो अपने देश के नेताओं को, अपने एनडीए के घटक दलों को अपने साथ बेहतर तालमेल बना के उनसे बेहतर और कौन चलेगा। बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जो इस वक्त कह रहे हैं कि देखिए उम्मीद यही है कि बेहतर मंत्रालय मिलेगा, 100% स्वीप किया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने और 5 लोगों की उम्मीद है कि वो शामिल होंगे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। देखना ही है कि उन्हें कौन सा पदभार मिलता है। वीडियो सहयोगी मनीष के साथ मैं अमित भारद्वाज।